दोपहर के खाने के बाद तीसरे पहर यानी 3 से 4 बजे के बीच सभी हल्का सा नाश्ता करना पसंद करते हैं। चाय के साथ हल्का सा नाश्ता हो जाए तो हमारा शाम तक के खाने की गुंजाइश हो जाती है। तो जब हमने दोपहर के बाद की चाय बनाई और घर में देखा नमकीन और बिस्किट या कोई भी नाश्ता बिल्कुल ख़त्म था, फिर मैंने सोचा कि ऐसा 5-7 मिनट में कौन सा नाश्ता बनाया जाए जो जल्दी से भी बन जाए और थोड़ा सा हेल्दी भी हो। तो फिर मैंने सोचा चलिए घर में जो भी कुछ सामान पड़ा है उससे कुछ नाश्ता बनाते हैं। तो मेरे पास ये सब कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी, जैसे कि यहाँ पर मुरमुरे हैं, मूंगफली है, बादाम है, थोड़ी सी खील है, मखाना और जो सूखा नारियल होता है और किशमिश होती है। और यहाँ पर मेरे पास काजू भी ख़त्म हो रखे थे, इस डब्बे में थोड़े से काजू और जो है थोड़े से हमारे खरबूजे के बीज पड़े हुए थे। मैंने सोचा इसी से हम एक नाश्ता बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सभी चीज़ों को तैयार कर लिया है और एक कढ़ाई में या पैन में मैंने यहाँ पर तेल गरम कर लिया है। तो तेल का टेम्परेचर मैं स्टार्टिंग में देख रही हूँ, हमें यहाँ पर थोड़ा सा मीडियम सा गरम तेल चाहिए होगा। तो मैंने यहाँ पर एक मखाना डाल के देखा है, उसे अच्छे से तेल का टेम्परेचर का पता नहीं लगा है। तो मैंने यहाँ पर थोड़े से जो है स्लाइस डाल के देखे हैं जो हमने यहाँ पर आलू को कस के लिया है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर स्लाइस डाले हैं तो हमारा तेल अच्छा तैयार है नमकीन बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में सभी सामान ले रही हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक छलनी ले ली है ताकि पूरा तेल हमारा ख़राब ना हो। तो यहाँ पर मैंने ये एक आलू ले लिया है, उसको कस लिया था और 3 से 4 बार पानी में अच्छे से धो लिया था और फिर कपड़े पे मैंने इसका मॉइस्चर अच्छे से सुखा लिया है। तो हमें इसको एक छलनी में डाल के लगभग 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। बस थोड़ा सा जो टाइम लेगा नमकीन में, यही आपका थोड़ा सा जो आलू के स्लाइस है ये थोड़ा सा टाइम लेते हैं, बाकी जितनी भी चीज़ें आगे भुनेंगी वो सेकंड में भुन के तैयार हो जाएंगी। तो इन आलू के स्लाइस को या लच्छों को अच्छे से हमें कुरकुरा होने तक सेक लेना है, कम से कम 2 मिनट आपकी लग जाएंगी हाई फ्लेम पर। अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे मीडियम और जो हमने ये मखाने लिए हैं उनको भी हम यहाँ पर अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो मखाने जब फ्राई हो जाते हैं ये थोड़े से साइज में छोटे हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रंची भी हो जाते हैं। अच्छे से तेल हमें यहीं पे झटक देना है और इनको निकाल लेना है। तो मेरे पास टिश्यू पेपर वगैरह भी ख़त्म थे, तो सो आज मैंने यहाँ पर एक पेपर ही ले लिया है, नॉर्मल न्यूज़पेपर होता है, तो मैं उस पर ये सारा सामान उतार रही हूँ और अलग अलग भी नहीं कर रही हूँ, सारा एक ही जगह निकाल रही हूँ। और यहाँ पर मैंने ये थोड़ी सी मूँगफली ले ली थी, तो मूँगफली को भी अच्छा क्रंची होने तक, ये जब तक अच्छे से फट सी ना जाए जब तक हमें भून लेना है, लगभग ये 30 से 40 सेकंड लेंगे भूनने में। तो छलनी में भूनने में इन मूँगफलियों को आसानी रहती है, ये जलती भी नहीं है, नहीं तो क्या होता है निकालते वक्त ये जल जाती हैं। इनको भी हम निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर सेकंड में सारा सामान भून के तैयार हो रहा है। अब हम यहाँ पर डाल रहे हैं थोड़े से बादाम। तो इनमें जितनी भी चीज़ें आपके पास हो आप कोई भी इनमें चीज़ ले सकते हैं, जो नहीं हो तो आप उसको छोड़ सकते हो, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो बादाम को हम बहुत हल्के से कुछ ही सेकंड के लिए भूनेंगे, तेल का टेम्परेचर काफ़ी गर्म है। तो मैं छलनी को उठाते हुए इनको फ्राई कर रही हूँ, इनको भी हमने निकाल लिया है। और अब ली है हमने यहाँ पर किशमिश। तो किशमिश को फ्राई करते हुए आपको एक ध्यान रखना है कि आप किशमिश को ठंडे तेल में फ्राई ना करें, नहीं तो ये अंगूर के जैसी हो जाएगी। हाई फ्लेम पर बस कुछ ही सेकंड के लिए, 4-5 सेकंड के लिए आपको ये फ्राई करना है, बस ऐसी कोटिंग सी हो जानी चाहिए इनके ऊपर। तो इनका जो टेस्ट होता है थोड़ा खट्टा मीठा हो जाता है इस तरीके से फ्राई करने से। तो हमने यहाँ पर किशमिश मूँगफली वगैरह फ्राई कर लिया है। अब बारी आती है हमारी जो है सूखा नारियल या फिर गोला या फिर खोपरा बोला जाता है, तो हम तो इसको गोला ही बोलते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा काट लिया था बारीक बारीक करके और ये बहुत ही जल्दी से भून जाता है। अगर आपने इसको ज़्यादा भून दिया तो इसमें कड़वाटपन आ जाएगा, तो हल्का सा इसको भी भून लेना है। तो अब मैं बारी आती है यहाँ पर जो खरबूजे के बीज होते हैं और जो हमारे काजू थे। तो खरबूजे के बीज जो होते हैं वो चटकते बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने छलनी को उठाते हुए इनको भूना है। तो बस कुछ ही सेकंड के लिए इनको भी भून लेना है। तो 2 मिनट लगी है हमारे आलू के लच्छे को तलने में और 2 मिनट से भी कम टाइम लगा है टोटल सारा सामान को तलने में। अब मेरे पास कोई जो है चाट मसाला वगैरह भी नहीं था, उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 चम्मच के जितना साबुत धनिया, थोड़ा सा सौंफ लिया है, सौंफ का थोड़ा सा ठंडा सा फ्लेवर आता है, और थोड़ी सी मैंने ले ली है यहाँ पर काली मिर्च और थोड़ी सी ले ली है मैंने यहाँ पर जो कसूरी मेथी है हमारी। तो हमें क्या करना है यहाँ पर 1 चम्मच के जितना इसमें जीरा भी डाल लेना है। और अब हम यहाँ पर डाल रहे हैं थोड़ा सा हींग, हींग से जो है ये नमकीन बहुत ही अच्छी हो जाएगी, डाइजेस्ट होने में भी काफ़ी आसानी होती है। तो 1 मिनट के लिए लो फ्लेम करते हुए इन मसालों को हम भून लेते हैं। तो यहाँ पर हम मसालों को सुखा नहीं रहे, हल्का सा इनको भून ही रहे हैं, क्योंकि हम ये एक तरीके से चाट मसाला बना रहे हैं थोड़ा सा। अब आपके पास अगर आमचूर पाउडर हो तो आप यहाँ पर थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। तो मसालों को ठंडा करके हम उन्हें मिक्सी में अच्छे से पीस लेते हैं। फिर हमने यहाँ पर एक कढ़ाई में डाल लिया है 2 चम्मच के जितना घी, और इसमें हम थोड़े से डाल रहे हैं करी पत्ता
और 3-4 मैंने हरी मिर्च को बीच से काट के डाला है और इनको अच्छा क्रिस्पी होने तक हमें भून लेना है या फिर इनको तल लेना है। तो लगभग में ये 2 मिनट में हमारी अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगी। ये हमें बिल्कुल भी कच्ची नहीं रखनी है, नहीं तो नमकीन में ये एकदम मतलब कच्ची कच्ची आपको महसूस देगी तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। तो जब ये अच्छे से भुन जाएंगी, हमने यहाँ पर ये थोड़ी सी खील डाल दी है। मैंने यहाँ पर किसी भी चीज़ का मेजरमेंट नहीं बताया है, जो भी सामान आपके पास हो, जितना भी सामान आपके पास हो आप इसमें डाल सकते हैं। खील को हल्का सा मैंने भून लिया है, फिर हमने यहाँ पर डाल दिए हैं ये मुरमुरे। तो मुरमुरे की अगर मैं बात करूँ तो ये बाज़ार से हम लेके नहीं आए हैं, अभी फेस्टिवल गए हैं, जैसे निशान वगैरह चढ़ाते हैं, जहर बाबा का मेला लगता है, तो वहीं का ये प्रसाद मेरे पास रखा हुआ था। तो चलिए आज ये कामयाब भी हो जाएगा और जो प्रसाद है वो हमारा वेस्ट भी नहीं जाएगा। तो इनको हमें क्या करना है, 2 से 3 मिनट के लिए गैस का फ्लेम मीडियम करते हुए अच्छे से भून लेना है, इन्हें क्रिस्पी कर लेना है। वैसे तो मैंने इन्हें दिन भर धूप में भी सुखाया था, लेकिन धूप अच्छी नहीं निकल रही थी इसलिए मॉइस्चर इनमें हल्का हल्का सा रह रहा था। तो जब ये भून जाएंगे, हम यहाँ पर आधा चम्मच की जितनी हल्दी डाल देंगे ताकि जो हमारी नमकीन बनने जा रही है उसमें बिल्कुल बाजार वाला कलर ही आ सके। तो जब ये मुरमुरे भुन जाते हैं और आप इनको उठा के इस तरीके से मैश करते हो तो बहुत ही अच्छे से पाउडर वाले फॉर्म में आ जाते हैं। तो मुरमुरे हमारे भुनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, लगभग 2 से 2.5 मिनट लगी होगी। तो मुरमुरों को अच्छे से भूनने के बाद जो हमने ये नमकीन बना के रखी थी, जो भी सामान हमने फ्राई करके रखा था, वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे और इसको अब हम अच्छे से इसमें मिला देते हैं। तो इस टाइम हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल बंद कर देना है और इसको 1 से 2 मिनट के लिए मिलाना है, क्योंकि जो मुरमुरे हैं हमारे काफ़ी गर्म है और हल्की सी गर्माहट इस सारी नमकीन में भी है, तो जो हल्दी की कोटिंग है हमारी पूरी नमकीन में अच्छे से हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है सारा सामान बहुत ही अच्छे से मिल चुका है। अब हम इसमें बाकी के सामान डालते हैं। अब इसमें हम डाल रहे हैं 1 चम्मच यानी कि 1 छोटा चम्मच के जितना काला नमक, और आधा चम्मच से भी बहुत कम मैंने यहाँ पर डाला है सादा, जो हम नमक खाते हैं वो वाला। तो सादा नमक आपको यहाँ पर बहुत कम डालना है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। और नमकीन में अच्छा सा कलर और हल्का हल्का सा तीखापन लाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा चम्मच देगी मिर्च वाला पाउडर डाल दिया है। अब इन चीज़ों को डाल के हम इसको बहुत ही अच्छे से मिला लेते हैं। अभी हमारी नमकीन काफ़ी गर्म है तो मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, सारी नमकीन में अच्छा टेक्सचर आएगा मसालों का। तो अब बारी आती है जो हमने चाट मसाला घर पर बना के तैयार किया था, तो मैंने यहाँ पर ये 1.5 चम्मच के जितना डाल दिया है। अब आपके पास यहाँ पर आमचूर पाउडर हो तो आप इस वक्त वो भी डाल सकते हैं और इसमें 1 चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं, ये नमकीन खट्टे मीठे फ्लेवर वाली हो जाएगी। तो जो मैंने नमकीन बनाई है वो हल्की सी थोड़ी सी तीखी ही बनाई है, मीठा फ्लेवर नहीं दिया है, बच्चों ने मना कर दिया था। और ये लीजिए हमारी फटाफट से बिल्कुल बाजार के जैसी नमकीन बनकर तैयार है। इसे आप एक बार बनाकर महीनों के लिए स्टोर करके रख सकते हो। तो उम्मीद करूँगी आज की ये छोटी सी रेसिपी आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना।